वाटर क्या है ज्यादा अमाउंट में है, ऑयल क्या है कम अमाउंट में है. सो दीज आर लाइक दीज ओनली. ठीक है. सो हेयर वी कैन सी ऑन द स्लाइड. सो दो तरह की आपकी इमर्शन हो गई, वाटर इन ऑयल एंड ऑयल इन वाटर. यहाँ पर ऑयल ज्यादा है और दूसरे केस में पानी ज्यादा है. ऑयल 70% होगा तो वाटर 30% होगा. यहाँ पर वाटर 70% है, ऑयल 30% है. ठीक है. यहाँ पर डिस्पर्जन फेज आपका क्या है, वाटर. यहाँ पर डिस्पर्जन फेज क्या है, ऑयल. क्योंकि ये दोनों कम क्वांटिटी में है. ज्यादा क्वांटिटी में डिस्पर्जन मीडियम ऑयल है पहले वाले में, दूसरे में वाटर. पानी को ऑयल में मिलाया गया है एंड ऑयल को पानी में. फर्क है. नेक्स्ट इज सॉल्वेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सटर्नल फेज और कॉन्टिन्यूस फेज. ये पहले भी बता चुके हैं दैट सॉल्वेंट इज एक्सटर्नल फेज जो ज्यादा अमाउंट में है एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज कॉन्टिन्यूस फेज. टाइप्स ऑफ इमल्शंस, दो तरह की इमल्शंस होती है. वन इज ओ बाय डब्ल्यू, दैट इज ऑयल इन वॉटर टाइप. ठीक है. इन दीज टाइप्स ऑफ इमल्शंस ऑयल फेज इज रिलेटिवली नॉन पोलर फेज. नॉन पोलर है. नॉन पोलर दो तरह के सॉल्वेंट्स हम बात करते हैं. वन इज पोलर एंड वन इज नॉन पोलर. पोलर मीन्स एक्वस और वॉटर. नॉन पोलर मीन्स नॉन एक्वस और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. ठीक है. सो इन दीज टाइप्स ऑफ इमर्शंस ऑयल फेज इज रिलेटिवली नॉन पोलर फेज. Is dispersed in fine globules. ठीक है. ऑयल फेज को किसमें मिक्स करते हैं, पानी में. नॉन पोलर फेज dispersed in fine globules, essentially in continuous phase. Continuous phase हमारा क्या है, वॉटर. उसमें क्या किया जाता है, इसको मिलाया जाता है. क्लियर एवरी वन. नेक्स्ट इज W by O type of emulsion. और these are also known as water in oil type. पानी कम है, कम चीज को किसमें मिलाएंगे, ऑयल में. ऑयल ज्यादा क्वांटिटी में है. That means water क्या है, dispersed phase, और oil क्या है, dispersion medium. In these types of emulsions, an essential water phase is dispersed in fine globules in continuous phase oil. ठीक है. These emulsions are non-polar phase. Non-polar इसलिए हो गया क्योंकि oil phase ज्यादा है, इसलिए इनको non-polar phase भी बोलते हैं. Next important thing is identification test. अब अगर आपके सामने दो emulsions दे दी जाए और बोला जाए कि बताओ कौन सी O by W emulsion है और कौन सी W by O, तो हम कैसे बताएंगे emulsions के बारे में. इसके लिए हम कुछ टेस्ट करते हैं. दीज टेस्ट आर, फर्स्ट इज मिसिबिलिटी विद वाटर. पानी के साथ उसकी कितना मिसिबिलिटी है, कितना घुलता है पानी के साथ. सेकंड इज सॉलिबिलिटी ऑफ डाइज. हमारे पास कुछ डाइज होते हैं, कुछ कलरिंग एजेंट्स होते हैं जिसके साथ हम पता लगा सकते हैं कि ये हमारी घुल रही है कि नहीं घुल रही डाई के साथ, कलर के साथ. डेंसिटी ऑफ टू फेसेस. ऑयल की भी अपनी कोई डेंसिटी होगी, वॉटर की भी कोई डेंसिटी होगी, और उस बेसिस पे हम क्या करते हैं, इनको आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे पास कौन सी इमर्शन है. फोर्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. दोनों फेजेस में, ऑयल फेज में भी वॉटर फेज में भी, कोई ना कोई चार्ज होगा. पहले हम बात कर चुके हैं जहां पर भी कोई पार्टिकल आ गया, कोई चीज आ गया, दैट मीन्स चार्ज इज इन्वॉल्व. So this electrical conductivity of two phases is important. And last is effect of UV light. UV light का क्या effect है? अब हम एक एक test करेंगे. सबसे पहला miscibility with water. अगर हम इसमें बात करें, in this test, एक आपके पास emulsion है. For example, O by W emulsion है. That means water ज्यादा quantity में है, water dispersion medium है, पानी ही पानी है, उसमें थोड़ा सा oil mix किया हुआ. अगर आप एक ऐसी immersion में water और डाल दोगे, कोई फर्क पड़ेगा?
पानी में पानी डालना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको पता लग जाएगा पानी डालने से कि ये कैसी इमर्शन है, ओ बाई डब्ल्यू इमर्शन, क्योंकि उसमें कोई चीज नहीं आया, पानी के अंदर पानी गया जिसमें पहले ही पानी जाता है, दैट मीन्स ओ बाई डब्ल्यू इमर्शन है। लेकिन अब दूसरी तरफ बात ये आ गई, इफ वी आर हैविंग डब्ल्यू बाई ओ इमर्शन, ऑयल क्या है ज्यादा क्वांटिटी में है, डिस्पर्शन मीडियम है, ऐसी इमर्शन में अगर पानी डालोगे, पूरी एक ऑयल की बोतल है उसमें बूंद पानी की है, आपने उसमें पानी डाला पूरे तेल में, तो क्या होगा, ऑयल और वाटर मिक्स नहीं होंगे, आपको पता लग जाएगा ये ऑयल वाली ओ बाय डब्ल्यू टाइप ऑफ इमर्शन। ये है हमारा पहला टेस्ट, इसको बोल देते हैं वाटर सॉलिबिलिटी या वाटर मिसिबिलिटी टेस्ट, दिस वन। सेकेंड टेस्ट इज सॉलिबिलिटी ऑफ डाइज। हमारे पास कुछ रंग होते हैं, कुछ डाई होते हैं, जिनमें एक एग्जाम्पल है ये वाली, दिस इज नोन एज एमरेंथ, अमरेंथ नहीं बोलना, दिस इज नोन एज एमरेंथ। एमरेंथ एक डाई का नाम है, रंग का नाम है, जो कलर देती है इमर्शन में। अब इसके सामने लिखा हुआ है इट इज अ वॉटर सॉल्युबल डाई, पानी में क्या हो जाती है, सॉल्युबलाइज हो जाती है, ठीक है। सो हाउ इट इज गोइंग टू सॉल्युबलाइज इन योर इमर्शन, सो दिस वी विल सी। नाउ वी विल चेक इट्स